बीती रात गुजरात के राजस्थान में हज यात्रियों पर किया गया पथराव। राजस्थान के कोटा में ये शर्मनाक हादसा पेश आया। एक प्राइवेट बस में कुछ हाजी और उनके रिश्तेदार सफर कर रहे थे। बीच रास्ते में कुछ बाइक सवार अज्ञात लोगों ने बस को घेर कर रोक लिया और बस के स्टाफ के साथ भी बदसुलूकी की गई। कोटा राजस्थान के कनेडी मार्ग पुलिस स्टेशन की हद में ये शर्मनाक दुर्घटना अंजाम दी गयी। अरे अभी आराम से हैं, जल रही हो तो मेरे वीडियो बना लेना। यही हमारे छोटे छोटे के पेटों में लाद दिए हैं, इनकी भी वीडियो बना चुकी पड़े हैं छोटे छोटे। वहीं आपको बता दें कि शर्मनाक घटना को राजा सिंह के सांप्रदायिक बयान के एंगल से भी देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में कुछ दिनों पहले ही राजा सिंह आकर सांप्रदायिक बयान देकर जा चुके हैं। राजा सिंह हैदराबाद के वही बदनाम एमएलए है जो हर बार देश के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते रहते हैं और देश के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर देश के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवोकेट काशिफ जुबेरी। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं कोटा। मेरे साथ आप देख सकते हैं तकरीबन 21 से 22 साल की लड़कियां हैं, जो कुछ हमारी माओं के बराबर हमारी बहनें हैं। ये हमारे कुछ लोग हैं। ये हादसा कल कोटा के अंदर हुआ, जब कोटा से कुछ लोग अपनी बहन को, अपनी भूपी को, अपनी माँ को हज पे छोड़ने के लिए जयपुर जा रहे थे। तो ये मामला सामने आता है कि कुछ लोग जो कि उनकी बस को रोक लेते हैं, और बस को रोक कर सबसे सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग उनकी बस के आगे आकर उनको रोक लेते हैं, और रोकने के बाद वो लोग ये कहते हैं कि साहब हम बस में चढ़कर इन लोगों के पास आते हैं, ये लोगों को देखते हैं। इन लोगों को देखने के बाद जब वो जवान लड़कियों को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये सभी मुसलमान हैं। आपसे यही कहा था कि सभी मुसलमान ये सब जहां मौजूद हैं। इनका कहना ये है कि हमें हमारे बुरके देखकर, हमारे नाम देखकर, उन्होंने नाम पूछे, जब उनको लगा कि सभी मुसलमान हैं तो उन्होंने बोला कि इनको मारिए, इनकी जवान बच्चियों को उठा लीजिए, यहां तक कि इनको जीएसआर के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। तो मेरी राज्य सरकार से ये मांग है कि इस मामले को फौरी तौर पर फौरन इस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान जारी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन राज्य सरकार से मेरी सीधी सी मांग ये है कि राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त हाजी जो कि अपने हज के लिए, अपने उम्रे के लिए जा रहे हैं, राजस्थान सरकार से मेरी मांग है कि सभी हाजियों को जबरदस्त तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, एक समुदाय विशेष को टारगेट किए जाने का मामला है। ये एक तरीके का एक ऐसा मामला है जिससे पूरे राज्य के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न हो सकता है। ये जाँच का विषय है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। तो मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि इस मामले को तुरंत प्रकार से स्टेट लेवल पर उठाते हुए, स्टेट लेवल पर इसकी जांच करते हुए मामले में शामिल सभी लोगों को तुरंत प्रकार से गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर यूएपीए की धाराएं लगाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपको बता दें कि इस शर्मनाक घटना को लेकर राजस्थान ही नहीं देश भर के मुसलमानों में गुस्से और हलचल का माहौल है। जब तक नुकसान नहीं बरतेंगे और जब तक गिरफ्तार नहीं होगा कोई भी नहीं जाओगा यहाँ से, गाड़ी रास्ता नहीं खुलेगा यहाँ का, पहले कह रहा हूँ मैं। बहन जो बाटे क्या गाड़ी के अंदर। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें F3 News, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।